अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया। आज मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी के प्रोजेक्ट की, विच इज द प्रोजेक्ट ऑफ अल-शरीफ़ फाउंडेशन। इस पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी के प्रोजेक्ट में हम जो पाकिस्तानी यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जिनको दूसरी कोई जॉब चाहिए, अपने फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के नई स्किल्स चाहिए, कि वहाँ से बैठे हुए वो नई स्किल्स का सीख के अपने आप को वो ऑनलाइन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हम आपको ये सारा कुछ फ्री में सिखाएंगे, प्रोवाइडेड के आपकी जो एप्लीकेशन है, आप अप्लाई, ये आप इस पेज पे आए हैं ताकि आप अप्लाई कर सकें, ताकि हमें स्पॉन्सर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को चूज करेगा। हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पॉन्सर के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तीन मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहली मुबारक ये है कि आपने मैसेज को क्लिक करके इस वीडियो को वॉच करना शुरू किया। मुझे पता है कि ये बड़ा वो हौसला होता है कि पता नहीं कोई फ्रॉड ना हो, कोई ऐसा ना हो। दूसरी मुबारकबाद ये है कि आपने ये सोच लिया है कि आपने अपनी नई स्किल्स आपने इम्प्रूव करनी है, इसलिए आप इस वीडियो को वॉच करके सारे प्रोसेस को आपने शुरू करने का आपने सोच लिया है। ये मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, ये तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। ये नीचे वीडियो के नीचे जो फेसबुक के कमेंट्स लिखा हुआ है उसमें आप बताएं कि हाँ, आपने सोच लिया कि आपने नई स्किल्स लिखनी है। दूसरी मुबारकबाद इस चीज़ की है कि आपने ये सोच लिया है कि आपने नई स्किल्स अचीव करनी है। बहुत सारे लोग तो ये बातें करते रहते हैं लेकिन वो आगे कोई एक्शन नहीं लेते। आपने ये एक्शन लिया है और आपने ये पक्का सोच लिया कि आपने ये स्किल सीखनी है, तो यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, इज दैट राइट? आप मेहनत करोगे, ये तो देखेंगे अभी हम, वी विल सी सून। तो तीसरी मुबारकबाद ये है कि आपने ये कोर्स को कंप्लीट करना है। ये मैं आपको पहले से मुबारकबाद दे रहा हूँ, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप ये कोर्स लेंगे और कंप्लीट करेंगे। पैसे तो आपकी जगह कोई और पे कर रहा है, तो आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है। आप ये करें कि आप सिर्फ कोर्स में प्रोसेस में ज्वाइन करें और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें और कंप्लीट करें, तो ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने बड़े आसानी से इस तरह सोच के बनाया कि आप आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सके। अभी मैं आपको कोर्स दिखाता हूँ। ये कोर्स है, ये कोर्स एक मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड है, आई रिस्पेक्ट अ लॉट टू हिम, हिज नेम इज जेसन गिलबर्ट, वो सैन डिएगो से है। उसने ये कोर्स हमने कंसल्ट करके वन ऑफ द बेस्ट वन बनाया है। मैं अभी आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। ये टोटल कोर्स में 10 चैप्टर हैं और हर वीडियो की ये नंबर ऑफ सेकंड्स है एक वीडियो के, टोटल ये 146 मिनट की है। बेसिकली ये 2.5 घंटे की वीडियोज़ हैं। हाँ, आप ये वॉच करेंगे आपको शायद ये 2.5 घंटे लगें या 5 घंटे लगें या 10 घंटे लगें या 3 हफ्ते लगें या महीना पूरा लग जाए, ये तो आपकी अपनी स्पीड है। हमें ये पता है कि ये 2.5 घंटे में, ये 5-7 घंटे में आपको ये काफ़ी आइडिया हो जाएगा, लेकिन किसी भी काम को अच्छी तरह करने के लिए आपको बार बार वॉच करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साइड पे, ताकि आप उसको मास्टर कर सकें। काम वही होता है जो आप अपना मास्टर कर सको। लेकिन आपको ये आइडिया हो गया कि ये पूरा ये टेबल ऑफ कंटेंट है कि कोर्स में है क्या। देखा, मैंने आपको बताया था ये कोर्स बहुत छोटा सा है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये जेसन गिलबर्ट है जिसने ये कोर्स बनाया, तो मैं उसकी आपको 1 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि क्या आपको उसकी इंग्लिश समझ आती है कि नहीं। लेट्स वॉच दैट वीडियो टुगेदर, इट्स ओनली 1 मिनट। अबाउट दिस कोर्स, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट एंड न्यूएस्ट कोर्स आई हैव स्टडीड फाइवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई ऑल्सो have purchased other courses that are older, and just to make sure that all the information that is out there is all in one place in this course, and you are the first ones to receive this training that is completely up to date, because Fiverr has recently changed some of the things on their website. And this course includes all the new changes. My techniques are proven to work. In fact, my first student that I taught these techniques to became one of only 10 super sellers, which is a special hand-selected category of seller that Fiverr had for a short period of time. And now I will be teaching you those techniques. सो जेसन गिलबर्ट की आपने वीडियो वॉच की, आपको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो वो समझ आ गई है उसकी आवाज़,
इसका मतलब यह है कि आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश आपको बोलनी आनी जरूरी नहीं है, एक ही स्किल चाहिए आपको, इंग्लिश आपको सुनने सुनते हुए समझ आनी चाहिए अगर बंदा कुछ स्लो बोल रहा हो, आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए और आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है, लिखनी और पढ़नी और सुनने से आपको समझ आ जाती है, अगर 100% 100% आपको समझ नहीं भी आती तो आधी से ज्यादा समझ आ जाती है तो आपका काम चल जाएगा। एक स्किल तो आपको इंग्लिश की चाहिए, दूसरी स्किल ये चाहिए कि आपको कंप्यूटर का कुछ ना कुछ पता हो। उसकी काफी लिस्ट है, वो हम एप्लीकेशन के पेज पे, आप इसके तीसरा चौथा स्टेप है इस प्रोसेस में, आपको सारे स्टेप चीजें बताएंगे जिस चीज की आपको चाहिए, और उसमें से आपको एक भी अगर आती है ना तो आप काम करके अपना रोजगार अपना खुद ही शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये देखें कि ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, मैंने बड़े दोस्तों के साथ मिलके मशवरा करके, उसमें पाकिस्तानी भी हैं गोरे भी हैं, हम सब साथ मिलके ये काम शुरू किया है, बल्कि कुछ गोरों को मैं पाकिस्तान भी लेके आया था, हमने कॉलेज में समुंदरी कॉलेज में एक वहाँ पे वो कुछ फ्यू 100 स्टूडेंट से हमने वहाँ पे मिले भी, उनसे बात भी की कि ताकि हमें ये समझ आए कि वहाँ पे स्टूडेंट चाहते क्या हैं, वो भी हमने बात की। तो इसके बाद हमने ये सारा कुछ डिजाइन किया है, तो ये हम चाहते हैं, हम ये अकेले काम नहीं कर सकते, लेट मी टेल यू, इसमें आपको हम चाहिए और हमें आप चाहिए। अगर आपकी ये इक्विपमेंट है कि आप ये खुद भी करोगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे, क्या जो अच्छी चीज आपको मिले तो वो तो अपने दोस्तों का, दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप दोस्तों से साथ शेयर करते हो, ठीक कह रहा हूँ या नहीं? सही है, अगर अब ये मैं सही कह रहा हूँ तो आप ये करो कि ये वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, इस वीडियो को लाइक करो, वहां पे शेयर का बटन भी है, इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे शेयर करो, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे वीडियो में जो कमेंट लिखा हुआ है वहां पे अपना कोई लिख सकते हो। एक बात का ख्याल रखना, तो आप हमेशा इंग्लिश में लिखना, क्योंकि जो रोमन उर्दू है या पंजाबी है या सिंधी है या पख्तून है वो हमें समझ नहीं आएगी। एक तो ये कि हम तो शायद कोई ना कोई अपना टीम में हायर करके आपकी इंग्लिश समझ की उर्दू पंजाबी बलोची या पश्तून आपकी समझ आए, लेकिन जो स्पॉन्सर हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो जो आपका मैसेज वो पढ़ेंगे सारे, जो कि ये पेज पे लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, इससे पहले कि वो स्पॉन्सर आपको पिक करेगा कि मैं इस बंदे को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ या इस बंदी को करना चाहता हूँ। बाय द वे गर्ल्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वन, इनफैक्ट यू आर इन मोस्ट मेजोरिटी एंड वी वांट मोर वुमेन एजुकेशन। मेरा ख्याल है मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। अब आप ये करें, जो राइट साइड पे ये अप्लाई नाउ का बटन नजर आ रहा है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, या अगर राइट साइड पे अगर आपको नजर ना आए तो ये वीडियो के नीचे नजर आ रहा होगा, ये डिपेंड करता है कि आप ये कंप्यूटर पे वॉच कर रहे हैं वीडियो या अपने सेलफोन पे वॉच कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे वॉच कर रहे हैं, तो अप्लाई नाउ बटन पे आप क्लिक करें, लेट मी शो यू। अब आपको ये करना है, जैसे ये लिखा हुआ है बिकम ए सोशल एंटरप्रेन्योर, ये नीचे अप्लाई नाउ बटन है, ये रेड एरो से ये है, इस पे आपने क्लिक करना है, या अगर आप फोन पे हैं तो आप टैप करेंगे, जैसे ये क्लिक करते हैं, यूं ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके ओपन हो जाएगा। इसका ये पहले आपका पूछ रहा है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर आपकी ईमेल एड्रेस, उसके बाद ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई नाउ कर दें। अगर आपका नाम, अब मैं आपको एग्जांपल करता हूँ, फील्ड की एग्जांपल देता हूँ, मोहम्मद सिद्दीक, और ये ईमेल है, ये जीमेल है, ये मैं चेक नहीं करता इसलिए आप परेशान ना हो, ये मेरी असल ईमेल नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि सारे लोग मुझे ईमेल भेजना शुरू कर दें इस ईमेल पे, मुझे ये ईमेल नहीं मिलती। अगर आपका नाम, कई लोगों के नाम लंबे होते हैं, तीन चार वर्ड के होते हैं, मेरा नाम सिर्फ दो वर्ड का है, तो इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एंटर कर दें। अगर आपका नाम लंबा है तो फर्स्ट नेम में सिर्फ पहला ये जो फर्स्ट वर्ड है आपके नाम का वही लिखें, जैसे अगर हबीब रहमान होगा तो हबीब जो है वो पहले में आएगा और रहमान जो है वो सेकंड लास्ट नेम पे आ जाएगा, ठीक है? आप समझ गए, जो एक आपके नाम का जो पहला वर्ड है वो फर्स्ट नेम में डालें, बाकी जो नाम है सारा वो सेकंड लास्ट नेम में डाल दें, ये अगर आपका नाम दो वर्ड से ज़्यादा है तो। और इसके बाद आप अप्लाई नाउ क्लिक करें, और इसके फ़ौरन बाद वो आपको आपको ईमेल भेजेगा, नाम और ईमेल एंटर करके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें। इस क्लिक करने के बाद अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, लेकिन किसी वजह से अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो आपको हम एक ईमेल भी भेज रहे हैं, लेट मी शो यू कि वो ईमेल कैसी है। ओके, जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है तो हम तकरीबन पे दिन, वो हमारा सिस्टम जो है ना 5 से 10 मिनट में ये ईमेल आपको भेजता है,
ईमेल आती है आपको अल शरीफ फाउंडेशन से और उसकी सब्जेक्ट लाइन ये होती है प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल। ठीक है, और अभी मैं आपको ईमेल ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो ये आपने फिर यू एक्सपेक्ट के वो ईमेल आपको अल शरीफ फाउंडेशन से आएगी और सब्जेक्ट लाइन होगी प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल। अब नेक्स्ट पेज पे आपको ये ईमेल है उसके अंदर लिखा हुआ है आपका नाम अस्सलाम वालेकुम, और ये चूँकि मैंने अपने आप को भेजी है तो वो सिद्दीक आपका नाम फर्स्ट नेम वहाँ से पिक कर लेता है। तो ये लिखा हुआ है थैंक यू फॉर आस्किंग टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी। आपने ये करना है टू कन्फर्म योर रिक्वेस्ट, हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपने किया है, आपकी जगह पे किसी और ने नहीं कर दिया, जैसे आपकी ईमेल वैलिड है, ये इज़ वेरी कॉमन ऑन इंटरनेट। आप ये करें कि ये क्लिक हेयर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये एक लिंक है इसमें टू कन्फर्म योर रिक्वेस्ट प्लीज़ क्लिक हेयर, ये आपने क्लिक करना है। जब तक आप इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक नहीं करेंगे हम आपको इससे इसके बाद कोई एप्लीकेशन की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते, ये प्लीज़ अपने जहन में रखें। फिर कई हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि हमें कोई ईमेल नहीं आ रही, कोई हमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने इस ईमेल को यहाँ पे क्लिक हेयर नहीं किया होता। जब तक ये नहीं भेजे तो हमें आपके बेसिकली परमिशन नहीं है कि हम आपको और कोई ईमेल भेज सकें। वी वांट टू कम्युनिकेट विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। एक और नीचे लिंक है अनसब्सक्राइब का, ये आपने नहीं करना, जैसे मैंने रेड का है ये नहीं करना। अगर आप ये करें तो फिर भी हमें आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि हाँ आप हमसे कोई ईमेल नहीं रिसीव करना चाह रहे, इस पर कभी क्लिक नहीं करना। तो हेयर इन शॉर्ट चेक योर ईमेल इन 10 मिनट्स एंड यू शुड हैव एन ईमेल फ्रॉम अस एंड टू कंफर्म योर रिक्वेस्ट प्लीज क्लिक हेयर। ओके, ये क्विक रिकैप है, आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल सबमिट करना है और उसके बाद अपनी ईमेल में जाना, जैसे मैंने आपको दिखाया है ईमेल में जाकर उस ईमेल को ओपन करके आपने वो क्लिक हेयर को उसको रिकन्फर्म करना है। जब तक आप ईमेल को कन्फर्म नहीं करेंगे हम आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते, इससे हमें आपको परमिशन मिली कि हम आपको ईमेल में अगला स्टेप बताएं। जो ही ये आप पेज पूरा करेंगे तो हम आपको अगले स्टेप का एक और वीडियो के थ्रू आपके साथ में आई विल बी बैक। वेलकम ऑन बोर्ड एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट पेज।